नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको फील्ड में प्राइमरी टिलेज के साथ या सेकेंडरी टिलेजमेंट के साथ हम लोग ड्राफ्ट कैसे सेट करते हैं उसकी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। ड्राफ्ट सेट करने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ड्राफ्ट सेट करने के क्या क्या फायदे होंगे फील्ड में वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला जो फायदा होता है वो समान रूप से हमारी जुताई होती है पूरे खेत में या पूरी फील्ड में। दूसरा हमारा होता है कि हमारे टायरों की बचत होती है, जो हमारे न्यू मैट्रिक टायर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा हमारी बचत होती है, क्योंकि ये बार बार स्लिपेज होते हैं जिसकी सहायता से ये घिस जाते हैं, तो ये स्लिपेज नहीं होता। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बोले ड्राफ्ट को सेट करेंगे तो स्लिपेज कम हो जाएगा। अगला हमारा होता है वो होता है डीजल की खपत हमारी कम होती है। अगर ड्राफ्ट आपका सेट है तो आपकी डीजल की खपत कम होगी। चौथा समय जो रहेगा वो हमारे टाइम की बचत होगी। पांचवा जो हमारा रहेगा, कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। और छठा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो ये होता है कि जो ऑपरेटर होता है उसको थकावट महसूस नहीं होती, वो आसानी से ट्रैक्टर को चला सकता है। देखिए अब ड्राफ्ट को हम कैसे सेट करते हैं, आइएगा देखिए। ट्रैक्टर के ऑपरेटर जहां पर बैठता है उसके सीधे हाथ की तरफ दो लीवर होते हैं, इन लीवरों को हाइड्रोलिक लीवर कहा जाता है। इन हाइड्रोलिक लीवर में एक होता है पोजीशन कंट्रोल लीवर का और एक होता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का। पोजीशन कंट्रोल लीवर जो होता है उसकी सहायता से हम थ्री पॉइंट लिंकेज को या किसी एम्प्लीमेंट को उठाने का काम, गिराने का काम या होल्ड करने का काम करते हैं। एक दूसरा लीवर जो होता है वो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर होता है। इस लीवर की सहायता से हम जमीन की मिट्टी की ड्राफ्ट को सेट करते हैं, किसी एम्प्लीमेंट के साथ मिट्टी की अंदर की ड्राफ्ट को सेट करते हैं। तो यह हमारा एक पोजीशन कंट्रोल लीवर हो गया, एक हमारा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर हो गया। नीचे की तरफ इन लीवर अगर नीचे की तरफ करें तो ये लीवर डाउन होते हैं, मतलब हमारी जो एम्प्लीमेंट है या लोअर लिंग है वो डाउन की तरफ आएगी। और लीवरों को अगर हम ऊपर की तरफ करना शुरू कर दें तो हमारी थ्री पॉइंट लिंकेज है वो ऊपर की तरफ उठेगी या एम्प्लीमेंट हमारा ऊपर की तरफ उठेगा। अब हम देखते हैं कि ड्राफ्ट हमें कैसे सेट करना है। ड्राफ्ट सेट करने के लिए हमें ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर बैठना है और दोनों लीवर को डाउन करना है फील्ड में ले जाके, जिस फील्ड में आपको ट्रैक्टर को चलाना हो। दोनों लीवरों को डाउन कर दिया हमने जिससे एम्प्लीमेंट सेल्फ वेट के कारण जमीन पर आके रखा जाता है। अब हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद हमें जो सिलेक्टेड गियर होते हैं उन गियरों में डालना है और ट्रैक्टर को आगे की तरफ चलाना है। जब ट्रैक्टर को हम आगे की तरफ चलाएंगे तो एक चीज देखिएगा, सेल्फ वेट के कारण ट्रैक्टर सेल्फ वेट के कारण एम्प्लीमेंट जमीन के अंदर नीचे आएगा। जब जमीन के अंदर जाएगा तो हमारा वो ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और एम्प्लीमेंट जब जमीन के अंदर रहेगा तो ट्रैक्टर उसको खींच नहीं पाएगा। तो वो जो इफेक्ट दिखेगा वो हमें ट्रैक्टरों के टायरों पे दिखेगा। ट्रैक्टर के टायर एक जगह स्लिपेज होना शुरू हो जाएंगे। जहां पर ट्रैक्टर के टायर स्लिपेज होना शुरू हो जाए वहां पर हमें ट्रैक्टर को रोकना है, बंद नहीं करना है, सिर्फ रोकना है। और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर जो हमने पोजिशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर जो दोनों डाउन करे थे हमने जो दोनों डाउन करे थे उसमें से ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके आना है। कब तक लेके आना है? जब तक कि हमारी टू पॉइंट लिंकेज या थ्री पॉइंट लिंकेज पे या एम्प्लीमेंट की लोअर लिंक पे कोई जर्क ना पड़े। जहां पर जर्क पड़ता है, जहां पर जर्क उठना शुरू हो जाए, जहां पर उठना शुरू हो जाए वहां पर आपको रोकना है। और जर्क के साथ उठेगी वहां पर आपको रोककर 5 से 10 mm आगे की तरफ ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को करना है। ये देखिए, जैसे यहां पर उठना शुरू हुआ जर्क मानना, तो यहां से आपको 5 या 10 mm आगे करना है और इसको यहीं पर इसको लॉक से लॉक कर देना है। ठीक है, मैं इसको चला के आपको बताता हूँ ड्राफ्ट। अभी देखिए शुरू कंडीशन में यहाँ पर दोनों लीवर हमारे डाउन है और हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया। देखिए पोजीशन कंट्रोल लीवर, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों डाउन है। ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करेंगे, देखिए भी नीचे है, ट्रैक्टर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अपनी जगह स्लिपेज हो रहा है। अब देखिए हम ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को पीछे की तरफ करते हैं तो यहाँ देखिए जर्क पड़ेगा एम्प्लीमेंट पे। ये देखिए यहाँ से उठना शुरू होता है, तो जहाँ पर उठना या जर्क शुरू होता है वहां पर आपको ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को लाना है और इससे 5 से 10 mm आगे।
एक बार और देखिए, यहाँ से उठना शुरू हुआ था या झटके मारने शुरू हुआ था, यहाँ से थोड़ा सा आगे, फिर आपको ट्रैक्टर को चलाना है। देखिए ड्राफ्ट को सेट कर दिया और हम अब इसे चलाएंगे। अब ये बहुत स्मूथली चलेगा, समान रूप से ये गहराई भी लेगा और ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। दोस्तों हमने जब ड्राफ्ट को सेट नहीं किया था तो आपको दिख रहा होगा आगे की तरफ बहुत कम डेप्थ लिया और आड़ा टेढ़ा हो रहा था, लेकिन यहां पर देखिए मैक्सिमम इसने डेप्थ लिया। ड्राफ्ट सेट करने के बाद समान रूप से इस फील्ड में गहराई हमें मिली है, समान रूप से। ये देखिए ये फरो है, ये वाल है, इसमें हमें समान रूप से गहराई मिली है। ये ड्राफ्ट सेट करने के फायदे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ड्राफ्ट की सेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो शेयर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अच्छी है या नहीं। जय श्री राम, नमस्कार।